तो आज हम बीट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट को और फाइनली हम लोग इलाइट्रा को फाइंड करने वाले हैं। बट ये इतना इजी नहीं था, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, जैसे लावा में गिर जाना, वॉइड में गिर जाना, ऑब्सीडियन के पिलर के अंदर फंस जाना और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। और हम लोगों को एक आधा एंडशिप भी मिला जिसमें इलाइट्रा को छोड़ के सब कुछ था, मतलब अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा था। और लास्ट में हम लोग अपने ड्रैगन नेदर पोर्टल को भी कंप्लीट करेंगे, वो एंड में बहुत ज्यादा एपिक लगने वाला है। एनीवेज, ये है अपने हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 7, और सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोग फ्यूचर के एपिसोड्स को मिस ना कर सको। एंड जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मैं सौतुक सो और फिर से तुम लोगों का स्वागत है एक और नई हार्डकोर सीरीज के वीडियो में। एंड या आज का हमारा एम है एंडर ड्रैगन को बीट करना। एक्चुअली मेरा एंडर ड्रैगन को बीट करने का गोल नहीं है, मुझे बस इलाइट्रा चाहिए ताकि मैं इजीली ट्रैवल कर सकूं और कम टाइम में ही बहुत ज्यादा दूर तक उड़ सकूं। मेरे बाकी के हार्डकोर वर्ल्ड्स में इलाइट्रा है तो उससे मैं इजीली उड़ सकता हूं, लेकिन इसमें मेरे पास इलाइट्रा नहीं है। तो इसीलिए आज हम जाएंगे और इलाइट्रा को लेके आएंगे। और एंडर ड्रैगन को मारना कैजुअल सी बात है, वो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, मुझे बस इलाइट्रा चाहिए। अच्छा ओके, ज्यादा बात कर लिया। सबसे पहले अपनी सारी चीजों को इन्वेंटरी में रख देते हैं। मेरे पास अभी फूड की कमी हो चुकी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ओके एक सेकंड, मैं बटाटा को कुक करता हूँ। ओके यहाँ पर स्मोकर में डाल देते हैं, जल्दी से कुक होगा। बटाटा इतना अच्छा फूड सोर्स तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ठीक है। जब तक ये कुक हो रहा है हम लोगों को जाके वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। बहुत टाइम बाद मैं अपने एनिमल से मिल रहा हूँ। ये है सुअर, ये है बहुत सारे कोमडी, और ये है बहुत सारे शीप, और ये है बहुत सारे ज़ॉम्बीज। यहाँ पे ज़ॉम्बी क्या कर रहा है, इसके हाथ में अंडा क्यों है? वेट, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अंडा कैसे चुराया तुमने? ओके अभी जाके देखते हैं कि बटाटा कुक हुआ कि नहीं। अभी फिर से रात हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना जल्दी रात हो जाता है। ओके थोड़े से बटाटा कुक हो चुके हैं, मैं बस एक स्टैक को लेके जाऊंगा। ये देखो एंडरमैन ने क्या किया, ये एंडरमैन ऐसे चीजें ही करते हैं। A few moments later. ओके एक स्टैक तो मिल चुका है, फिलहाल हम लोग जा सकते हैं नेदर में। वैसे एंडर ड्रैगन को मारना इतनी बड़ी चीज नहीं है, हम लोग कभी कभार मजाक में मार देते हैं। बार बार झूठ बोलो। पहले एक शील्ड बनाता हूँ, जरूरत तो नहीं है बट ले लेते हैं, क्या पता पड़ जाए। ओके बहुत सारे टॉर्चेस की जरूरत पड़ जाती है। ओके तो अभी हम लोग चलते हैं, पहले मुझे जाना पड़ेगा नेदर में एक नेदर फोर्ट्रेस को फाइंड करने के लिए। हम लोग चलते हैं नेदर में। ये देखो बच्चा नेदर में भी आ चुका है। अभी मुझे फाइंड करना है एक नेदर फोर्ट्रेस। वेट, ये घास्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? ओके हम लोग टेनिस खेलते हैं। लग जा, यस लग चुका है। हम लोगों को एक अचीवमेंट भी मिल गया, बहुत ज्यादा एपिक। अभी मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस को फाइंड करना है। मुझे कहीं पर भी दिखाई तो नहीं दे रहा, ये इतना डार्क क्यों है? थोड़ा सा दूर जाता हूँ, वैसे भी मुझे अपने नेदर पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स पता है। भाई साहब ये कितना ज्यादा रिस्की था, मैंने ये क्यों किया? इतना ज्यादा क्रिम्सन रेड फॉरेस्ट क्यों है मेरे वर्ल्ड में? ओके तो हम लोगों को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है, ये दिखाई भी नहीं देता, ये इतना काला क्यों है? इन्हें चलते हैं, मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं लगा इसको फाइंड करने में, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये छोटा सा नेदर फोर्ट्रेस है, जाके देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर भी है, मुझे ब्लेजर्स की आवाज आ रही है। ओके यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर है, मुझे जो चाहिए था वही मिल गया। ओके ऑलरेडी 4 ब्लेज रॉड्स मिल चुके हैं। यहाँ पे आके मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ। भाई कहाँ जा रहा है तू, मेरे पास आओ। नहीं, लावा में गिर गया, वेस्ट हो गया। वो ब्लेजर स्पॉन हो चुके हैं। ओके मेरे पास 18 ब्लेज रॉड्स हो चुके हैं, जो कि मोर देन इनफ है, तो मुझे इससे ज्यादा ब्लेज रॉड्स की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग अपने नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करते हैं। नेदर फोर्ट्रेस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे विदर भी स्पॉन हो जाएंगे। ये देखो एक और ब्लेज स्पॉनर, ब्लेज रॉड्स नहीं चाहिए मुझे। ये देखो एक विदर स्केलेटन, मुझे इसको मारने का मन कर रहा है। जब मुझे विदर को मारना होगा तब आ जाएंगे, अभी मुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं अभी चले जाने वाला हूँ। ओके इसको ले लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ जाती है। नेदर वॉट, इसको भी ले लेता हूँ, सैंड को भी नहीं छोड़ता मैं। मैं आया कहाँ से था, मैं भूल चुका हूँ रास्ता। भाई ये कितना डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क है ये जगह। वो यहाँ पर भी एक ब्लेज स्पॉनर है, एक्चुअली नहीं है, ये कहीं पर भी स्पॉन हो जाते हैं। 20 ब्लेज रॉड, तो अभी मुझे एक और जगह पे जाना पड़ेगा। हम लोग एक वॉप फॉरेस्ट को फाइंड करेंगे। ओके हम लोग नेदर फोर्ट्रेस से तो बाहर आ चुके हैं, अभी हम लोगों को फाइंड करना है एक वॉप फॉरेस्ट, ताकि हम लोगों को एंडरमैन मिल सके और हम लोग एंडर पर्ल्स ले सके। ऑब्वियसली उससे हम लोग एंड वर्ल्ड में जा पाएंगे। तो ये अभी हम लोग एक वॉप फॉरेस्ट को फाइंड करते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोगों को ब्लेज रॉड्स मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल गया मुझे। ओके तो मुझे दूर दूर तक वॉप फॉरेस्ट तो नहीं दिख रहा, बट क्रिम्सन रेड फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, पता नहीं
ये इतने सारे क्यों हैं? कते क्रिम्सन रेड बायोम जैसे लग रहा है, तो मैं इस वाले पिकैक्स से थोड़े से नेदर रैक को तोड़ देता हूँ ताकि मैं इजीली ट्रैवल कर सकूं। मेरे पास रखने के लिए ब्लॉक्स नहीं है। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा। बात तो सही है। ये एक और नेदर फोर्ट्रेस है क्या? हो ही नहीं सकता। ओके, ये वही वाला नेदर फोर्ट्रेस है। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करता हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा। अभी मैं चला जाता हूँ इस डायरेक्शन में। One eternity later. ओके, वहाँ पे ग्रीन कलर के लीव्स दिख रहे हैं मुझे, वहाँ पे चलते हैं। मुझे यहाँ पे साइड से जाना पड़ेगा, ये डेंजरस है, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जंप थोड़ा सा रिस्की था। यस, यहाँ पे एक घास्ट आ चुका है। भाई घास्ट कितने गंदे होते हैं। भाई इसको लग क्यों नहीं रहा, ये फिर से स्विमिंग कर रहा है। मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी किया था। ये कितना ज्यादा दूर है। ओके, फाइनली लग चुका है इसे। कितना टाइम लगा। ओके, ये रहा क्रिम्सन फॉरेस्ट। ये कितना छोटा सा क्रिम्सन फॉरेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एंडरमैन स्पॉन होंगे। ओके, इस साइड में थोड़ा सा है, देखते हैं एक दो स्पॉन हो सकते हैं। बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है ग्रीन कलर का। ये देखो यहाँ पे कितना ज्यादा रिस्की है ये। इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, एक मिल चुका है, एक एंडरमैन मिल चुका है, एक्चुअली दो मिल चुके हैं। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। मैं बनाऊंगी एक क्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद मैं एक बोट बनाऊंगा। मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है, बट फोकट में डैमेज क्यों लूंगा मैं जब मैं ये कर सकता हूँ। सॉरी भाई, कोई बात नहीं। भाई इसके पास रेड वाला ब्लॉक कैसे है? अजीब सा बंदा है, आई थिंक वहां से लिया है। ओके, थ्री पर्ल्स। कोई और है क्या? वो रहा, वो मुझ पे गुस्सा हो चुका है। आ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ इसमें। ओके, नाइस। फोर पर्ल्स। एंडरमैन में जूम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली गुस्सा हो जाएंगे। ओके, फाइव पर्ल्स। मुझे एक और एंडरमैन दिखा था, वो रहा, गुस्सा हो चुका है वो भी। क्या हुआ इसे? सेवन पर्ल्स हो चुके हैं, वहां पर एक एंडरमैन। ओके, एट पर्ल्स। यहाँ पर शायद से एक और एंडरमैन था। वेट, आवाज तो आ रही है यहाँ पे एक। ओके, 10 पर्ल्स। मैं 20 पर्ल्स को लेके जाऊंगा, क्या पता जरूरत पड़ जाए। उससे ज्यादा की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगा। 12 पर्ल्स, एक और एंडरमैन। ओके, ये रहा। 15 पर्ल्स, इस बंदे ने बहुत ज्यादा दिया भाई, अभी गिर जाता मैं। ये रहा। ओके, 16 पर्ल्स। मुझे 20 पर्ल्स चाहिए, फिर मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, वो रहा एक एंडरमैन। ये बच्चा किसका है? जा पूछ क्या। वो रहे दो एंडरमैन। ओके, दोनों को बुला लिया मैंने, आ जाओ आ जाओ। ओके, टोटली मेरे पास हो चुके हैं 21 एंडर पर्ल्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अभी मुझे लगता है कि मैं अपने घर को वापस जा सकता हूँ। फिर हम लोग सीधा जाएंगे एंड वर्ल्ड में और एंडर ड्रैगन को खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं कहाँ से आया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। ओके, इस डायरेक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं आया था, आई थिंक इस डायरेक्शन से ही आया था। चलते हैं, वैसे गलत हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपने नेदर पोर्टल वाले कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं सीधा नेदर पोर्टल की जगह पे चला जाऊंगा। ओके, इस डायरेक्शन पे जाना है, इस साइड पे पूरा दीवार है। ओके, मैं वहीं से चला जाता हूँ। ओके, जिसका डर था वही हुआ। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी। ओके, बाहर का जगह आ चुका है, मुझे अभी सीधा जाना है। वेट, मैं एक पर्ल को यूज कर लेता हूँ, मुझे जाने को बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। भाई सब, ये कितना ज्यादा डेंजरस था, मुझे लिटरली लगा था कि मैं मर चुका हूँ। अब आया ना लाइन पे। मुझे इस चीज का कितना रिग्रेट हो रहा है, मेरे फोकट में एंडर पर्ल्स वेस्ट हो गए। ओके, मुझे जाना है इस डायरेक्शन में, चलते हैं। मैं अभी एंडर पर्ल्स कभी भी यूज नहीं करूंगा। ओके, ये रहा नेदर फोर्ट्रेस, ये अपना वाला ही है। अगर मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डैमेज होगा, मुझे डैमेज ही नहीं लगा। ओके, वहां से मैं ऊपर गया था, अभी मैं यही से नीचे जाऊंगा। ये रहा एक ओपी सा जंप। भाई फिर से नहीं। भाई मेरे को हुआ क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसी चीजें, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसी चीजें। भाई सब, मैंने कितने एंडरपर्ल्स को वेस्ट कर लिए पोकट में। ओके, मैं नेदर पोर्टल के पास पहुंच चुका हूँ ऑलमोस्ट। ये रहा अपना पोर्टल, लेट्स गो। ओके, अभी हम लोग अपने घर को वापस आ चुके हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले सो जाते हैं। एनीवेज, अभी चलते हैं और एंडर ड्रैगन को खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और आइडिया है। मैंने बहुत सारे स्पीड रन्स में देखा है कि कुछ लोग एंडर ड्रैगन को 2 सेकंड में खत्म कर देते हैं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेगी, ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है। ओके, डर्ट ले लेते हैं एंड थोड़े से नेदर रैक। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है टावर पे चढ़ने के लिए, वुड भी ले लेते हैं और फ्लिंट एंड स्टील भी। उस ट्रिक को करने के लिए ऑब्सीडियन चाहिए।
भाई साहब क्रीपर्स मुझे पसंद नहीं, ये क्या कर दिया क्रीपर ने। भाई यहाँ पे क्रीपर था भी नहीं, कितना ज्यादा गंदा होता है क्रीपर, मेरे घर को तबाह कर दिया इसने। सब कुछ शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ओके ठीक है, यहाँ पे डर्ट डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, उस ट्रिक के लिए मुझे थोड़े से बेड्स चाहिए। अभी तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यस मैं बेड को फोड़ने वाला हूँ, जब एंडर ड्रैगन पर्च करेगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके ये रहे थोड़े से स्ट्रिंग्स एंड ये बने थोड़े से वूल और 5 बेड्स। इतने बेड्स की जरूरत नहीं है बट ले जाते हैं, कम तो नहीं पड़ेगा। ओके लेट्स गो, थोड़े से वुड कलेक्ट कर लेते हैं, शायद से जरूरत पड़ सकती है। ओके मैंने एक पेड़ को क्लियर कर दिया, 32 वुड शायद से काफी है मेरे लिए। ओके सबसे पहले मैं बनाऊंगा थोड़े से आई ऑफ एंडर, इसके लिए थोड़े से ब्लेज पाउडर एंड थोड़े से आई ऑफ एंडर। ओके 17 आई ऑफ एंडर, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी हम लोग चलने वाले हैं एंडर ड्रैगन को खत्म करने के लिए। ओके उस डायरेक्शन में लेट्स गो, मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने बोट लेके आया, वरना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ये लिली पैड से मैं क्या करूंगा, ये माइनक्राफ्ट वाले भी अजीब चीजें करते हैं। ओके एक और फेंक देते हैं। ओके उसी डायरेक्शन में जा रहा है, शायद से थोड़ा सा दूर हो सकता है। कहाँ गया? ओके मिल चुका है। गाइस एक सेकंड, मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया, मैंने पता नहीं इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, बट मुझे लगता है कि मुझे इलाइट्रा से फ्लाई करने के लिए थोड़े से फायरवर्क रॉकेट्स चाहिए। तो इसके लिए फायरवर्क रॉकेट्स लाने के लिए मुझे अपने घर जाना पड़ेगा, मतलब मुझे क्राफ्ट करना पड़ेगा। मेरे पास गन पाउडर तो नहीं है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, वो कट मैं इतना दूर आ चुका हूँ मैं। ये बोट यहाँ पे क्या कर रहा है, कब का बोट है ये, मुझे याद भी नहीं कि मैंने इसको कब क्राफ्ट किया था। ये देखो मधुमक्खी, तो क्या करूँ, 13 गन पाउडर। ओके यहाँ पर 3 16 गन पाउडर, इससे बने 48 फायरवर्क रॉकेट्स जो कि मेरे को वापस आने के लिए काफी है। ओके तो यहाँ पर एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर है, मैं काम करता हूँ मैं इसको ट्रैप करता हूँ, मैं इसको यहीं पर ब्लॉक करता हूँ। ये अभी यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है एंड ये अभी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। भाई ऐसे तो ये डिस्पॉन हो जाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। ओके मुझे एक आइडिया आ चुका है, सिंपल सा आइडिया है, मैं उसको डायरेक्टली नॉर्मल विलेजर बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं। वो यहाँ पे 2 एंडर पर्ल्स है। ओके तो मैंने 63 फायरवर्क रॉकेट्स बना लिए, ये बने 19 आई ऑफ एंडर। ओके इसको ब्रीव करते हैं, पहले मुझे यहाँ पे ऐसे करके लगाना है और उसके बाद मुझे मशरूम चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मशरूम्स हैं। वेट मशरूम डार्क ओक बायोम में इजीली मिल जाता है, उसका टेंशन नहीं है। एंड मुझे थोड़े से शुगर चाहिए और अभी मुझे मशरूम लेके आना है ये फर्मेंटेड स्पाइडर आई को बनाने के लिए। ब्राउन कलर का मशरूम कहाँ पर है, कहाँ पर है ब्राउन मशरूम? ओके ये रहा ब्राउन मशरूम, इतने इजीली मिल गया। ओके चलते हैं, और क्या चाहिए, ये रहा फर्मेंटेड स्पाइडर आई, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। भाई मैं ये सब कर किसे रहा हूँ, भाई ये डिस्पॉन हो चुका है, मैंने फोकट में इतना टाइम वेस्ट किया। भाई अब तक एंडर ड्रैगन खत्म हो चुका होता, अब मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। अपना वीकनेस पोशन तो बन चुका है बट इसको खिलाऊंगा किसे, फोकट में टाइम वेस्ट कर लिया। इसी बोट में चलता हूँ, कहाँ पर जाना था मुझे, ओके इसी डायरेक्शन में मुझे कहाँ पर जाना है, ओके इसी डायरेक्शन में, परफेक्ट। भाई साहब ये क्या है, मुझे बैड लैंड्स मिल चुके हैं। गाइस इस वर्ल्ड में बहुत सारे रेयर बायोम्स हैं पास पास में, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ही दूर है मेरे घर से। मुझे कुछ दिन पहले एक मशरूम बायोम मिला था और अभी मुझे ये मिल चुका है, कितना ज्यादा रेयर है ये, मैसा बायोम है शायद से ये। एनीवेज हम लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, हम लोगों के पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, हम लोग डेडिकेटेड है इलाइट्रा के लिए। यहाँ पे देखो पिलेजर्स आ चुके हैं, ये लोग रैंडमली स्पॉन हुए। एनीवेज मैं इनको इग्नोर करूंगा क्योंकि हम लोग डेडिकेटेड है इलाइट्रा के लिए। ये शायद से नए वर्ल्ड जनरेशन है, कितना वियर्ड है ये। ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस माउंटेन को कट कर दिया है केक की तरह। इन्हें शाम हो चुका है, मैं इस जगह पे सो जाता हूँ, रात में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। गाइस यहाँ पे एक विलेज है, वाओ। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एंडर ड्रैगन को मारना है, डेडिकेटेड टू एंडर ड्रैगन, तुम लोगों को पता होगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे आ चुका हूँ। वेट यहाँ पे थोड़े से फूड है, वाओ मुझे फूड की कमी होने वाली थी। अच्छा हुआ कि यहाँ पे थोड़े से हेबेल्स हैं। ओके 37 ब्रेड, गाइस ये कितना ओपी लग रहा है। ये देखो उड़ता हुआ डर्ट का जगह, उस डायरेक्शन में जाना है। ओके इसी जगह पे शायद से नीचे जाना है मुझे, देखते हैं, इसमें भी रिस्क नहीं लेने का। ओके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यस हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुके हैं, अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ेगा। ओके इस डायरेक्शन में जाते हैं। ओके ये रहा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला रूम, इसको तोड़ते हैं, अभी लगाते हैं आइस। गाइस यहाँ पे देखो एक भी आई नहीं है, अच्छा हुआ कि मैं बहुत सारे आई ऑफेंडर को लेके आया था, वरना मुश्किल हो जाता। ये लास्ट आई ऑफेंडर, तो गाइस अभी देखते हैं कि क्या होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, डर के आगे जीत है, लेट्स गो। भाई ये क्या है, ओके 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 मैं स्पॉन हो चुका हूँ। मुझे एक टाइम को बहुत ज्यादा डर लग चुका था, मुझे लगा कि मैं सीधा वॉइड में गिर चुका हूँ। और ये देखो मेरा स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म कितना दूर है, कितना डेंजरस है भाई ये, जल्दी से चलो यहाँ से।
भाई कितना डेंजरस था ये, अभी गिर जाता। अभी मुझे ऊपर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से एंडरपल्स ले लेता हूँ, जरूरत पड़ सकती है, क्या पता मैं सीधा वॉइड में गिर जाऊँ। आ जाओ ओके नाइस। भाई मैं इनके साथ प्रैंक कर रहा हूँ, इन्हें चलता हूँ। भाई मैं कहां पर फंस गया था, भाई सब ये क्या क्या करता है भाई माइनक्राफ्ट मेरे साथ। प्रैंक हो गया आपके साथ। एनीवेज अभी हम लोग अपने काम को करते हैं, पहले क्रिस्टल को फोड़ेंगे। भाई इनको और कोई काम नहीं है क्या, मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू, मैं नहीं बताऊंगा। भाई उसको डैमेज हुआ। वेट मैं पहले ऑब्सीडियन का सेटअप बना लेता हूँ, वेट शायद से ऐसा नहीं था। भाई नहीं 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 भाई अभी मैं मर जाता। ओके मैं पहले क्रिस्टल को फोड़ता हूँ। ओके उसको डैमेज हुआ, अभी मुझे बस इसका पर्च करने का वेट करना है, उसके बाद मुझे इन ऑब्सीडियन के ऊपर बैट्स लगा देना है, तब एंडर ड्रैगन बहुत जल्दी मर जाएगा। अभी मैं स्केज के अंदर के क्रिस्टल को फोड़ता हूँ। ओके ये पर्च कर रहा है। भाई करना क्या होता है, मैं इसको ऐसे ही मार रहा हूँ। भाड़ में जाए बेड वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रहा। वो मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक रखना था, मैं यहाँ पे एक ऑब्सीडियन रख देता हूँ, अभी ये ट्रिक काम करेगा, नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे। इसको फोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऊंचा वाला टावर, लग जा इस बार, लग जा इस बार, लग गया तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भाई लिटरली लग गया। वेट ये पर्च कर रहा है, मेरे पास एक आइडिया है। भाई ये क्या कर रहा है, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो रन। भाई मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिक काम करेगा, मैं इसको ऐसे ही मार रहा हूँ। भाड़ में जाइए वाला ट्रिक। ओके ऊपर जाता हूँ जल्दी से, ड्रैगन मेरे पास नहीं है। ये ब्रेक हो चुका है, आई थिंक यहाँ पर एक लास्ट बचा है। भाई ड्रैगन यही पर घूम रहा है। ओके ड्रैगन जा चुका है, जल्दी से ऊपर जाता हूँ। इसको फोड़ना है एंड उसको फोड़ना है। यस आई थिंक अभी सारे हो चुके हैं, नीचे जाते हैं। अभी ड्रैगन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आ जाओ मेरे पास। नीचे आ रहा है, बेड वाला ट्रिक ट्राई करते हैं। भाड़ में जाए हम लोग ऐसे ही मारते हैं इसे। भाई बेड वाला ट्रिक काम क्यों नहीं करता, बाकी सारे लोगों की कर जाता है, मेरे नहीं करता। ओके इसको मारता हूँ। यस इसको लग रहा है, इसका थोड़ा सा हेल्थ बाकी है। फिर मैंने वन पंच मैन की तरह एक पंच मार के इसको खत्म कर दिया। ओके एंडर ड्रैगन खत्म। अभी बहुत सारे एक्सपी लेने का टाइम आ चुका है, मैं अपने पिकैक्स को रिपेयर करता हूँ। ओके ये भी रिपेयर हो चुका है, एक्स और शवल को भी रिपेयर करते हैं। वेट खत्म हो गया क्या, वो मेरे पास 64 लेवल्स आ चुके हैं। तो गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि अभी मैं घर जाऊंगा और आराम से सो जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम है करने को। मुझे जाके इलाइट्रा लाना है, वही मेरा मेन गोल था, तो जाके इलाइट्रा को लेके आते हैं। ओके वो रहा अपना गेटवे पोर्टल, ये देखो कहाँ पर स्पॉन हुआ है, लिटरली वॉइड के ऊपर स्पॉन हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एरिया क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे माइनक्राफ्ट के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। ओके मैंने थोड़ी सी सेफ्टी तो बना दिया है, बट फिर भी माइनक्राफ्ट का कोई भरोसा नहीं है। ओके अभी हम लोग आ चुके हैं अपने गेटवे के अंदर। ओके अभी मुझे एंड सिटी फाइंड करने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे एक एंड सिटी को फाइंड करना था जिसमें इलाइट्रा हो, और ये बहुत ज्यादा बोरिंग था, इसीलिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। एनीवेज बीच में मुझे एक ऐसा एंड शिप मिला जो कि हाफ था, लिटरली इस एंड शिप का आगे का पार्ट ही नहीं था, मतलब जहाँ पर इलाइट्रा होता है वो पार्ट ही नहीं है, अलग ही लेवल का स्कैम था। मुझे नहीं खेलना यार माइनक्राफ्ट, लिटरली 2 घंटे लगे मुझे इसे फाइंड करने में। भाई क्या स्कैम है, इसे देखो, मुझे लिटरली उस शिप का फ्रंट वाला पार्ट चाहिए था, बाकी पूरा एंड सिटी नहीं चाहिए था, और उल्टा हो चुका है। One eternity later. Okay guys, वहां पर मुझे एक एंड सिटी दिख रही है, जिसमें मुझे एक एंड शिप भी दिख रहा है। ये रियल है कि वह है, मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि लिटरली मैं 4 घंटों से एंड सिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज जल्दी से चलते हैं उसके पास। भाई एक बार इलाइट्रा मिल जाए मैं घर जा रहा हूँ सीधा। मुझे शेलकर शेल कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक इलाइट्रा चाहिए, बस एक इलाइट्रा दे दो। ओके गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इस पॉइंट पर मुझे शेलकर शेल्स कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इलाइट्रा चाहिए।
यहाँ पर आ चुके हैं, सीधा अंदर चले जाते हैं। ओके, ये है पोशन वाला रूम। एंड गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली, इस नल्ले शल्कर को मारते हैं। गाइस ये रहा वो चीज जिसके लिए मैं इतने टाइम तक वेट कर रहा था, मैंने 4 घंटे वेस्ट कर दिए बस इस एक चीज को फाइंड करने के लिए। एंड फाइनली ये आ चुका है, इसको ले लेते हैं, इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, एंड 5 रॉकेट्स भी है। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं शल्कर शेल्स को छोड़ के जा रहा हूँ, बट मुझे इस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता शल्कर शेल्स का। ओके वेट, मैं इसको लेके जाऊंगा ड्रैगन के सिर को, पहले यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है और उसके बाद तोड़ देना है। फाइनली हम लोग एक उड़ान को भरने वाले हैं और वो भी शिप के सामने से। भाई मैं इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, चलते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रा का हेल्थ बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा बिकॉज इसमें अनब्रेकिंग 3 नहीं है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो इलेक्ट्रा का हेल्थ ऑलरेडी कम हो रहा है। ओके ये रहा एक गेटवे पोर्टल फाइनली। ओके इस जगह पे स्पॉन होंगे हम लोग, मुझे लगा था कि हम लोग वहां पे स्पॉन होंगे इसीलिए मैंने थोड़ी सी सेफ्टी करी थी, बट या हम लोग अपने घर को जाते हैं। उससे पहले हम लोग इसके अंडे को ले लेते हैं। कहाँ पर चला गया, कि वहां पर ये रहा ड्रैगन का अंडा। तो चलते हैं अपने घर को और अभी मैं स्पॉन पॉइंट पे स्पॉन होऊंगा, बट कोई टेंशन नहीं है बिकॉज अपना पूरा बेस अपने स्पॉन पॉइंट पे ही है। ओके हम लोगों ने गेम को बीट कर दिया है। ओके ठीक है मुझे पता है। ओके ये है अपना स्पॉन पॉइंट। एनीवेज गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर को। सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों के पास एक इलाइट्रा है, फर्स्ट टाइम हम लोग अपने वर्ल्ड में उड़ने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा एपिक लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जाके इस इलाइट्रा में एंचेंटमेंट्स डालेंगे जो कि होगा मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3। देखते हैं कि शायद से मेरे पास हो सकता है। गाइस ये पिकैक्स मुझे वहां पर मिला है और इसमें एफिशिएंसी 5 है, मतलब मैंने 4 कट में इसमें डाला, इसमें एफिशिएंसी 4 है, मैं सीधा इसमें डाल सकता था। एनीवेज कोई टेंशन नहीं, बाद में बुक वगैरह लगा लेंगे। और मुझे अभी थोड़े से लैपिस लाजुली चाहिए और थोड़े से बुक्स चाहिए। ओके ये रहे थोड़े से बुक। तो अभी हम लोग जाएंगे अपने एंचेंटमेंट रूम में, वहां पे हम लोग इस इलाइट्रा पे अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग डाल देंगे। मेरे पास ऑलरेडी शायद से एक मेंडिंग का बुक पड़ा हुआ है, फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। अभी हम लोग सीधा चलते हैं अपने एंचेंटमेंट रूम में। एनीवेज शायद से मेरे पास एक या मेंडिंग का बुक है, बुक्स को चेंज करता रहूंगा जब तक मुझे अनब्रेकिंग 3 नहीं मिल जाता। 1 eternity later भाई कुछ अच्छा दे दे। ओके अनब्रेकिंग 3 गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है। यस अनब्रेकिंग 3, पहले हम लोग इसको कंबाइन करेंगे मेंडिंग के साथ, अनब्रेकिंग 3 प्लस मेंडिंग। अभी मुझे इसको डाल देना अपने इलाइट्रा में। ये रहा अपना टूटा फूटा सा इलाइट्रा, ये डाल दिया मैंने अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग। एंड यस गाइस हम लोगों का इलाइट्रा है हमारे पास, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये देखो कैसे रिपेयर हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई, इतनी जल्दी इतने रिपेयर हो गया। ओके हमारे पास एक एफिशिएंसी 4 है, इसको मैं कंबाइन करूंगा अपने सिल्क टच वाले पिकैक्स के साथ, इससे हम लोगों का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। ओके फ्लेम, यस मुझे फ्लेम चाहिए, मेरे बो में शायद से फ्लेम नहीं है। लूटिंग 2, यस मुझे लूटिंग 2 भी चाहिए। ओके 28 लेवल्स हो चुके हैं, अभी जाके इसको कंबाइन करते हैं, बाकी मुझे टेंशन नहीं है। और मुझे इतने सारे लेवल्स मिले हैं एंडर ड्रैगन को फाइट कर। ओके सबसे पहले मैं अपने पिकैक्स में डाल देता हूँ एफिशिएंसी 4, एफिशिएंसी 5 सिल्क टच, अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग। फिर आ जाता है लूटिंग 2 अपने स्वॉर्ड में, इससे मेरे पास हो जाएगा लूटिंग 3, मेरे पास ऑलरेडी लूटिंग 2 पड़ा है अपने स्वॉर्ड में। ओके अभी अपने बो में फ्लेम डालते हैं, अभी ये बहुत ज्यादा एपिक हो चुका है। मैं एक फिशिंग रॉड बना लेता हूँ एंड उसमें मैं लक ऑफ द सी 3 डालूंगा और हम लोग फिशिंग करेंगे, देखते हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा। ओके गाइस अभी हम लोगों का एम खत्म हो चुका है, हम लोगों को एंडर ड्रैगन को बीट करना था और इलाइट्रा को लेके आना था, वो हम लोग कर चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग भी डाल दिया है, अभी ये टूटने वाला नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा एपिक हो चुका है। तो अभी मेरा लास्ट एम है इस ड्रैगन को थोड़ा सा अच्छा बनाने का, इसको मुझे थोड़ा सा सुंदर बनाना है, तो हम लोग उस पे काम करेंगे। एनीवेज गाइस तुम लोग देखो टाइम लैप्स। पहले मैं ऐसे करके स्टेयरकेस जैसा डिजाइन बना देता हूँ, बाद में मुझे ये पसंद नहीं आता तो मैं इसको रिमूव करके फिर से चेंज कर देता हूँ। We'll be right back.
तो गाइस फाइनली बिल्ड हो चुका है, मुझे बस इसे बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा, 4 घंटों से ज्यादा लगा मुझे। बट एनीवेज कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसा लग रहा है लाइक अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता, बट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एक एंटायर नए बायोम को क्रिएट कर दिया है, रेड कलर का बायोम, बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। इसमें मेरा आइडिया ये था कि मुझे दिखाना था कि ड्रैगन नेदर से बाहर आ रहा है, लाइक जमीन को फाड़ के बाहर आ रहा है या फिर ऐसा कुछ, या शायद से ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा। एंड या मैंने इसके आईज के कलर को चेंज कर दिया है, इसको मैंने ब्लू कलर में कर दिया है। लास्ट वीडियो में किसी ने बताया कि मुझे इसे ब्लू कर देना चाहिए, अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने किया है। एंड ऑफिशियली हमारा 200 डेज कंप्लीट हो चुका है, तो एपिसोड 7 में हमारा 200 डेज कंप्लीट हो चुका है। तुम लोग इसी से सोच सकते हो कि एक वीडियो बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, तो वीडियोस को लाइक किया करो, अच्छा लगता है। मैं तुम लोगों को उड़ के दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ये देखो इस साइड से ये ऐसा लग रहा है। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को मारा और रिलाइट्रो को लेके आए और इस ऑसम से कस्टम नेदर पोर्टल को कंप्लीट किया। तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि ये कैसा लग रहा है। तो यह बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो तुम लोग इस वाले वीडियो को देख सकते हो।